दोस्तों, ये क्रियो ड्राफ्टिंग का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आगे के टूल्स सीखते हैं, जैसे कि जनरल व्यू में और आगे के क्या कमांड्स थे उसमें। तो जैसे भी किसी व्यू को क्रिएट सिलेक्ट करते हैं, तो उसका ड्राइंग व्यू की एक विंडो खुलती है। इस विंडो में जो व्यू टाइप था कैटेगरी में, इस व्यू टाइप में जनरल और प्रोजेक्शन, दो व्यू टाइप हमने सीख लिए थे पिछले वीडियो में। और यहाँ से जो व्यू ओरिएंटेशन है, ये तीनों ऑप्शन सीख लिए थे, इसके ये तीनों ऑप्शन सीख लिए थे। तो इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विजिबल एरिया। विजिबल एरिया में अभी है फुल्ली फुल व्यू, ठीक है। तो जो चीज़ भी दिख रही हो अभी उसका एक फुल व्यू दिख रहा है। तो ये जो विजिबल एरिया की कुछ चीज़ें हैं, इनको हम समझाने के लिए आपको यहाँ से अभी कैंसिल करते हैं और चलते हैं C2 C3। तो अपनी C3 में आते हैं। तो C3 में ये जो व्यूज बने हुए हैं, इनको पहले डिलीट कर देते हैं। यस, इनको डिलीट कर दिया। और जो ये व्यूज है, इसको हम सबसे पहले व्यू में चल के इसको हम चलते हैं फ्रंट कर लेते हैं, ओके। और इस फ्रंट व्यू के साथ इसके कुछ प्रोजेक्शन ऐड कर देते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझाने में आसान रहे। इसका प्रोजेक्शन टॉप, आप देखिए जो ये वाला व्यूज था, इसमें डबल क्लिक किया, इसके विजिबल एरिया ऑप्शन में गए। इस ऑप्शन में आपको मिलता है फुल व्यू। तो अभी ये पार्ट आपको फुल दिख रहा है, फुल व्यू का मतलब फुल दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाफ व्यू। हाफ व्यू का मतलब है किसी भी प्लेन से आप सिलेक्ट करेंगे तो उस प्लेन से ये पार्ट हाफ नजर आएगा। तो बोल रहा है हाफ व्यू रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करिए। तो चूंकि देखिए ये जो पार्ट है, ऐसे देख लीजिए, इसका 3D पार्ट ओपन करके हमने यहाँ पे रखा है। तो आप इस व्यू से अभी देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, एक प्लेन है आपको, तो इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से कट करके पार्ट नजर आएगा दिखता हुआ। तो चलिए अपने ड्राफ्टिंग में चलते हैं और यहाँ से उस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे अप्लाई में क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई में क्लिक किया, देखिए ये एक्चुअली पार्ट अभी इतना ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पे इसका बैक फेस भी दिख रहा था और ये वाला पार्ट भी दिख रहा था, लेकिन अब दिखना बंद हो गया क्योंकि यहाँ से हमने उसका हाफ व्यू कर दिया। देन यहाँ से आप उस पार्ट को, ये देखिए, इसकी साइड को चेंज करके अप्लाई कर देंगे तो अब पीछे का पार्ट दिखेगा, आगे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आगे का दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। तो समझ गए इस बात को, सिमेट्री लाइन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये चीज जो बन रही है वो सिमेट्री लाइन से बन रही है। तो ये सिमेट्री लाइन के और ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे नो लाइन, अभी देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है, नो लाइन को क्लिक करेंगे देन अप्लाई, तो आपको कोई लाइन नहीं नजर आएगी जहां से इस पार्ट को कट किया गया है। और सॉलिड लाइन, एक सॉलिड लाइन नजर आएगी, ठीक है। इसके बाद सिमेट्री लाइन आईएसओ अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे जो सिमेट्री लाइन है उसका एक आईएसओ फॉर्मेट नजर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली में जो भी किसी भी पार्ट को अगर सिमेट्री या उसका हाफ व्यू क्रिएट करना है, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड है, उस टाइप से उनकी लाइंस दी गई हैं, जैसे सिमेट्री लाइन ASME। इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए इसका फॉर्मेट है जो इस लाइन का थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो बस यहाँ पे इस सिमेट्री लाइन का यही मीनिंग है, जो लाइन दिख रही है इसका टाइप कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैरेलल व्यू, पार्शियल व्यू का। पार्शियल व्यू के लिए हमें एक आइटम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो हम पार्शियल व्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ से फुल व्यू सबसे पहले कर देते हैं, ओके, ठीक है। एंड देन लेते हैं पार्शियल व्यू। पार्शियल में आते हैं, बोल रहा है रेफरेंस पॉइंट ऑन ज्योमेट्री। चलिए रेफरेंस पॉइंट ऑन ज्योमेट्री, हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसने एक पार्शियल, एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट जनरेट कर लिया ज्योमेट्री में। देन स्प्लाइन बाउंड्री, स्केच स्प्लाइन, ठीक है। तो अब हमें एक स्प्लाइन बनाना है, तो चलिए एक स्प्लाइन क्रिएट किए दे रहे हैं ऐसे ऐसे। और आके यहाँ पे जूम करते हैं तो ऐसे क्लिक कर लिया, देन मिडल माउस। जैसे मिडल माउस क्लिक करेंगे पहले पॉइंट के पास आके, तो उस मिडल माउस को प्रेस करने के बाद लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दोनों इंड कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। देन अप्लाई, जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ वही एरिया नजर आएगा जो इस स्प्लाइन के अंदर बंद है, ठीक है, बाहर की चीज नहीं नजर आ रही। तो ये पार्शियल व्यू हो गया। हाफ व्यू में वो पार्ट नजर आ रहा था
जो इस प्लेन से अलग हो रहा था, इस प्लेन के पीछे वाला, इस प्लेन के आगे वाला, समझ गए। थर्ड ऑप्शन आता है ब्रोकन व्यू का। तो सबसे पहले हम फुल व्यू में चलते हैं, देखिए पार्शियल व्यू भी समझ गए, इसको हम पार्शियल। अब बताते हैं ऑप्शन आपको ब्रोकन व्यू का, कि ब्रोकन व्यू को कैसे यूज करेंगे। तो अब हमारे पास जैसे कोई बहुत बड़ी शाफ्ट है, उस शाफ्ट को हमें दिखाना है यहाँ पे। तो उसके लिए चलिए एक हम जल्दी से शाफ्ट तैयार कर लेते हैं आपके लिए। फाइल न्यू पार्ट शाफ्ट लिखते थे, पार्ट का सेट एक्सट्रूड सिंपल फ्रंट से लेते हैं प्लेन को, एक सर्कल और बहुत बड़ी शाफ्ट क्रिएट करते हैं सिंपल सी, और भी बड़ी, इतनी बड़ी कि सीट में ना आए। ओके कंट्रोल यस, सेव, डेस्कटॉप में सेव करते हैं इसको, चल के पार्ट साफ। ओके फिर से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ड्राइंग फाइल में आते हैं, फिर से मॉडल ऐड करते हैं, ऐड मॉडल, और सामने साफ को ऐड करना है, डन डन, देखते हैं ऐड हुई कि नहीं हुई। अरे तो फिर से फाइल को साफ को, ओके ऐड हो गई, डन रिटर्न। अब उसको सेट कर देते हैं, सेट मॉडल साफ, डन रिटर्न, यानी अब साफ सेट हो गई। जनरल व्यू क्रिएट करते हैं साफ का, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए साफ क्रिएट हो गई। चूंकि साफ अभी छोटी दिख रही है, एक्चुअली हमें बनाना तो बहुत बड़ी था, ये छोटी इसलिए दिख रही है क्योंकि इसकी स्केल बहुत छोटी कर दी गई, कस्टम स्केल में आ गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको वन कर दें, देन अप्लाई, तो देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, 0.01 अप्लाई। ठीक है, ये सही है, एकदम परफेक्ट है। ओके तो ये शाफ्ट आ गई हमारी, अब देख रहे हैं ये शाफ्ट एक्चुअली बहुत बड़ी है, इस पेपर से बाहर निकल जा रही। क्या आप कोई ऐसी शाफ्ट को प्रिंट देना चाहेंगे जो पेपर से बड़ी हो? अरे हम कैसे कैसे करें, तो चूंकि शाफ्ट पूरी शाफ्ट एक समान, एक सेम साइज की है हर एक जगह, तो एक ब्रोकन व्यू होता है कि हम इस शाफ्ट को यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट करते हैं, और इंड और फर्स्ट पॉइंट को मिला के पास में ले आए। बीच, चूंकि बीच का एरिया एकदम सेम है, तो उस एरिया को आप कट करके हटा देंगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे कोई खास ज्योमेट्री नहीं बनी, सेम वही ज्योमेट्री बनी है जो स्टार्ट और इंड में बनी है। तो इसलिए हम पार्शियल व्यू का यूज करते हैं। तो डबल क्लिक किया, विजिबल एरिया, ये तीनों व्यू तो आप समझ गए, ब्रोकन व्यू में आते हैं। ठीक है, प्लस आइकन में क्लिक करते हैं। अब आप सेलेक्ट फर्स्ट ब्रेक लाइन, अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास कोई ब्रेक लाइन नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गई हमारे पास कि यहाँ पे कोई ब्रेक लाइन नहीं मिल रही। ठीक है, सपोज दैट हमने इसको एज ए फर्स्ट ब्रेक लाइन माना तो नहीं ले रहा, ठीक है इसको माना तो फर्स्ट ब्रेक लाइन ले लिया, देन सेकंड ब्रेक लाइन। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट ब्रेक लाइन में उसकी डायरेक्शन देनी है हमको, इस लाइन की डायरेक्शन ये दे दिया, तो यहाँ से देखिए एक ब्रेक पॉइंट लग गया, देन सेकंड ब्रेक पॉइंट, इस एज को सिलेक्ट करिए, और इस एज को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई में क्लिक करेंगे ना, तो देखिए इसका फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इस पॉइंट पे आके मिल गया, और इनको उठा के, ओके और इस पूरे व्यू को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे पास यहाँ पे ब्रेक करने के लिए लाइन नहीं थी सही से। चलिए तो इसका मोटा मोटा मीनिंग ये है कि जो भी ड्राइंग आपके पेपर से बड़ी हो रही है और उसका साइज हर जगह सेम है, तो वहाँ पे आप पार्शियल व्यू का प्रयोग करके उसके बीच के हिस्से को कट करके निकाल दीजिए, अगर आगे पीछे वाले हिस्से को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका पार्शियल व्यू। तो ये पार्शियल व्यू में भी कई ऑप्शन है आपके पास, पार्शियल व्यू, चलिए ठीक है इतने ही ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद व्यू में एक और ऑप्शन मिलता है हमारे पास, जेड डायरेक्शन क्लिपिंग का। ठीक है, क्लिप व्यू इन जेड डायरेक्शन, तो ये तो हो गया, चलिए क्लिप करके दिखाते हैं आपको अपनी इस वाले ज्योमेट्री को, क्लिप व्यू इन जेड डायरेक्शन। क्लिपिंग, क्लिप व्यू इन जेड डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारे पास एक असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिंगल पार्ट की ड्राफ्टिंग हो रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं, प्लस आइकन में क्लिक करके शीट 4, और अपने ड्राइंग मॉडल में चलते हैं। ड्राइंग मॉडल में चल के एक ऐड मॉडल के ऑप्शन में चल के हम एक
हुक असेंबली जो है हमारे पास, इस हुक असेंबली को ऐड कर लेते हैं, देन डन रिटर्न। तो ये हुक असेंबली हमारे पास आ गई। और ड्राइंग मॉडल में फिर से चल के सेट मॉडल में असेंबली को एज ए मॉडल हम सेट करके डन रिटर्न कर देते हैं। फिर एक जनरल व्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जनरल व्यू क्रिएट हो गया। क्योंकि जनरल व्यू में अभी ये हमें मालूम नहीं कौन सा व्यू दिख रहा है, तो हम चलते हैं देखते हैं फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है। तो फ्रंट में ऐसा दिख रहा है, तो हम चलते हैं टॉप व्यू, ये देखिए टॉप व्यू में ऐसा दिख रहा है। तो टॉप व्यू सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई, ये टॉप व्यू आ गया हमारा। अब चलते हैं विजिबल एरिया में। विजिबल एरिया में फुल, हाफ, पार्शियल, इन तीनों का तो मतलब आप जान ही चुके हैं। फुल में फुल दिखती है, हाफ में एक प्लेन सिलेक्ट कर देंगे उससे कटा हुआ दिखता है आगे या पीछे का। पार्शियल में दिखता है जितना बॉक्स बनाएंगे स्प्लाइन से, उसी स्प्लाइन के अंदर का पार्ट। ब्रोकन व्यू, हाँ तो ब्रोकन व्यू भी हमने देख लिया था। अब यहाँ पे ब्रोकन व्यू फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ब्रोकन व्यू में प्लस आइकन में क्लिक करते हैं, फर्स्ट लाइन, तो ये देखिए यहाँ पे लाइन अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ब्रोकन व्यू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए जिस पॉइंट पे क्लिक करेगा उसके ऐसे पैरेलल एक लाइन ड्रा करिएगा। फिर सेकंड आइटम में क्लिक करके इस लाइन पे क्लिक करते हैं, एंड देन जैसे ही अप्लाई करेंगे ये दोनों पार्ट कट के, बीच का पार्ट कट के, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट आपस में पास में आ जाएंगे। तो ये है हमारा ब्रोकन व्यू। ब्रोकन व्यू में लास्ट में एक ब्रेक लाइन स्टाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट स्केच या एस कर्व, ठीक है। तो देख रहे हैं ये एस कर्व के जैसा आ रहा है, बस यही है और कुछ ऑप्शंस नहीं है। या हार्ट, हार्ट बीट ऑन ज्योमेट्री, तो जैसे ज्योमेट्री हार्ट बीट या हार्ट बीट ऑन व्यू अप्लाई, तो देखिए हार्ट व्यू बन के आ रहा है। तो ये है सेक्शन ब्रोकन व्यू, तो ये समझ के इसमें हम बेसिकली बात करने वाले थे। ब्रोकन व्यू की जगह फुल व्यू में चलते हैं अप्लाई, और हम बात करने वाले थे जेड डायरेक्शन क्लिपिंग की। जेड डायरेक्शन क्लिपिंग होती है हमारी थर्ड डिग्री डायमेंशन में। इस पार्ट को ओपन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये पार्ट है हमारा, अगर आप इस सामने से देख रहे हैं, एक्स ऊपर को वाई और नीचे को जेड होगी, तो जेड में आप किस प्लेन से नीचे की चीज़ें आप नहीं देखना चाहते वो बताना है जेड डायरेक्शन क्लिपिंग के द्वारा। क्लिप का मतलब उस चीज़ को हम व्यू से हटा रहे हैं, ये मतलब है। क्लिप क्लिप का यूज आप कई जगह पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर्स में, तो किसी भी चीज़ को हटाना या जोड़ना क्लिप से ही होता है। तो साथ में हम अपनी ड्राइंग में आते हैं। ये है ड्रा में, यहाँ शीट फोर में थे, शीट फोर में जनरल व्यू, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे टॉप। टॉप क्रिएट करने के बाद इसे ओके कर देते हैं, तो यहाँ आ गया टॉप। और यहाँ पे डबल क्लिक करके विजिबल एरिया में हम जेड डायरेक्शन क्लिपिंग में थे, तो जैसे ही इसमें एक्टिवेट किया इसको, देन बोल रहा है सिलेक्ट आइटम। तो सपोज दैट हमने इसी प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, इसी प्लेन के आइटम को सिलेक्ट करके अप्लाई किया, तो जैसे ही अप्लाई किया नीचे की डायरेक्शन में जितने भी पार्ट थे वो क्लिप आउट हो गए, यानी वो अब विजिबिलिटी उनकी खत्म। ओके ठीक है, तो वो पार्ट नहीं दिख रहे, केवल हमें जो पार्ट जरूरी है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मीनिंग था जेट क्लिपिंग का। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसको क्लिक करने के बाद इसके अगर प्रोजेक्शन व्यू क्रिएट करेंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रोजेक्शन परफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन में सारी चीज़ें रहेंगी, अगर प्रोजेक्शन में भी जेट क्लिपिंग लगाएंगे तो वो भी लग जाएगा। तो ये हो गया आपका जेट डायरेक्शन क्लिपिंग, यानी अब हमारे व्यू में व्यू टाइप, विजिबल एरिया दो कैटेगरी देख ली। थर्ड वीडियो में बाकी के चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।